पुणे मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम तो चुमड़ैल बाबा, तुम तो मर गए थे, जिंदा कैसे थे? तुम लोगों ने मुझे मारा था, उसी तरह मैं अब तुमको मारूंगा। गुरु भाई, आज की बात का पता चला तुम्हें? ना भाई, मुझे तो नहीं पता। कौन सी बात? अरे वो ही जो अमावस्या की रात गुजरने के बाद अगले दिन पता चलती है। ओ मतलब आज फिर कोई टप गया? हाँ भाई, यहाँ पर चमड़ैल बाबा टल्लम बाबा का डेरा था भाई। मानो या ना मानो, जिस जगह पर उस चमड़ैल बाबा को जलाकर गांव वालों ने मार डाला था ना, मुझे तो यह लगता है कि उस चमड़ैल बाबा का ही मोटो के पीछे आ। नहीं भाई, मैं नहीं मानता इन सब बातों को। यार मॉडर्न जमाना है और तुम आज भी इन बाबाओं पर विश्वास करते हो? भाई विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा। जब गांव वालों ने उस बाबा को जिंदा जला दिया था ना, तब उस बाबा ने एक बात बोली थी और वो बात मेरे आज भी कानों में गूंजती है भाई। याद करो वो बातें। आऊंगा। भाई ये सब बातें तो झूठी होती हैं, ये सब तो फिल्मों में अच्छा लगता है। और हाँ, आज रात मैं उसी जगह पर जाऊंगा और मैं ये सब साबित कर दूंगा कोई भूत नहीं होता। ये वही जगह है जहाँ पर गांव वालों ने उस चमड़ैल बाबा को जलाया था और आज मैं इसी जगह पर आया हूँ। मैं भी देखता हूँ यहाँ पर कौन सा चमड़ैल बाबा का भूत है। और हाँ, सभी गांव में ये विश्वास दिला दूंगा कोई भूत नहीं होता है। और ये जस भी पता नहीं यार किनकी बातों में आकर इन भूत पर विश्वास करने लगता है। कोई भूत बात नहीं होता है। आज मैं यहीं पर खड़ा हूँ, देखता हूँ कौन सा भूत आएगा। मैं भी देखता हूँ कौन सा भूत रहता है यहाँ पर, कोई भूत नहीं होता है। कौन था? अरे कौन था? कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई आम चीज हूं? मैं बहुत तकलीफ है। मेरे दोस्त, मैंने तो तुझे पहले ही बोला था तो उस जगह पे मत जा, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं मेरे दोस्त की मौत का बदला कैसे लूं? कैसे लूं? हाँ, वो ही बाबा मेरी मदद कर सकता है। बाबा जी बहुत संकट में हैं। बाबा जी बचा लो, मैं और मेरे गांव के वासी बहुत संकट में हैं। मेरे गांव के वासी एक एक करके दिन रात मर रहे हैं बाबा जी, और कल रात तो मेरा दोस्त भी मारा गया। बच्चा, क्या हुआ तेरे गांव वालों को और कैसे मरा तेरा दोस्त? बाबा जी, कुछ टाइम पहले जो आपके साथ एक बाबा रहता था, आप तो यहाँ से चले गए, लेकिन उस बाबा ने हमारे गाँव में कहर मचा दिया था बाबा, और उसके कहर से तंग आकर लोगों ने उसको एक दिन जिंदा ही जला दिया। और उसके जिंदा जलाने से अब जो उसके डेरे की तरफ कोई भी जाता है व्यक्ति, वो उसको मार डालता है बाबा जी। हाँ बच्चा, उसने कुछ तांत्रिक विद्याएं सीख ली थी और एक दिन तो उसने सारी ही हदें पार कर दी थी। बाबा, आज से मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूं और मैं भूतों को अपने वश में करके उनसे कुछ भी करवा सकता हूं।
लेकिन मैंने उसका साथ देने की बजाय नेकी का रास्ता चुना और मैं उसे छोड़कर यहाँ आ गया। यहाँ आकर मैंने अपना डेरा बनाया। लेकिन बाबा, आप तो छोड़ के वहां से उसको आ गए। पीछे से उसके इन अत्याचारों की वजह से गांव वालों ने उसे जलाकर मार डाला। हाँ बच्चा, आप सभी लोगों ने यही तो गलती की है, क्योंकि उसके पास तांत्रिक विद्याएं थी और अगर ऐसे बाबाओं को कोई टाइम से पहले मार देता है तो उन बाबाओं में और भी ज्यादा खतरनाक शक्तियां आ जाती हैं और वह किसी भी भूत को अपने वश में करके वो कुछ भी करवा सकते हैं। तो बाबा जी, इससे बचने का अब कोई रास्ता नहीं होता। रास्ता है मुक्ति। बाबा की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, क्योंकि आप सब लोगों ने दिलपुरुष बाबा को जिंदा ही जला दिया था और उसकी आत्मा खतरनाक भूत बनकर भटक रही है। और हाँ, बाबा की आत्मा को मुक्ति दिलाना इतना आसान नहीं है।